अरे हटके नमस्ते मदन बाबू, हटके। नमस्ते जी, आपने मुझे पहचाना नहीं जी? हटके मैं रूम में आपके यहाँ काम करता था, मैं शामू हटके हूँ। शामू? हाँ जी, हाँ याद आया। हाँ जी, मैं घोड़ा गाड़ी चलाता हूँ, हटके भगवान की दया से और आपके आशीर्वाद से बस गुजर हो जाता है। अच्छा, जी, बात आप आए कब? मैं आज ही आया, तो कई काम है। हटके घर वाले कैसे हैं? वो प्रेम भैया कैसे बाबू जी? बिल्कुल, शुक्र है भगवान का। तो ये गाड़ी आपकी की, आइए आइए, मैं आपको छोड़ दूँ, मुझे बहुत देर लग जाएगी, तुम जाओ। अजी हटके आप अंदर काम कीजिए और मैं हटके बाहर आपका इंतजार करता हूँ। नहीं भैया, मुझे बहुत काम है, तुम अभी जाओ, फिर बाद में देख जाएगा। गाड़ी खाली आचे? अरे हाँ खाली आचे। श्याम बाजार पहुंचे जब एक फसल ने भी गाड़ी में। अरे भाई बीस टाका, नहीं नहीं दो टाका, बसुन बसुन। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मिस्टर चैंग, आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं खुले बाजार में इस ड्रैगन की मुंह मांगी कीमत हासिल कर सकता हूँ? तुम जानता, खुला बाजार में बेचने से तुम्हारा खानदान का इज्जत खराब होता। यही तो मुश्किल है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये ड्रैगन किसी जमाने में चीन के बादशाहों की शान था, फिर ये बर्मा के राजा शून के पास पहुंचा और वहां से हमारे बुजुर्गों को मिला। आई नो, हम अच्छी तरह जानता है। आप सबको जानते हैं, लेकिन क्या करें, इस वक्त हम ऐसी मुसीबत में फंसे हैं कि इसे बेचे बगैर काम नहीं चल सकता, और फिर जो कीमत आप दे रहे हैं वो इतनी कम है कि कीमत तो तब दी जाती है जब कीमत वसूल हो। जैसे आप इसको खुला बाजार में नहीं बेचना सकता, हम भी नहीं बेचना सकता। हम ठीक बोला? आप ठीक कहते हैं। तो बस तुम कल मॉर्निंग में 11 बजे इधर आ जाओ, हम बैंक से कैश रुपया मंगा कर रखेगा। तुम सोचो, हम भी सोचेगा, 2-4 हजार रुपया जास्ती दे देगा। थैंक यू वेरी मच, मैं कल ठीक 11 बजे सुबह पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। हमको बहुत पसंद है। गुड लक टू यू, गुड लक टू यू। श्योर चैन। चलो तुम लोग सब मेरे साथ आओ। जी मुझे एक सामने खड़े हुए ना आदमी, उनको टैक्सी चाहिए। अरे अपना आदमी नहीं छोड़ गया तुम्हारे की।
हजम होती नहीं, पीते क्यों है? ए भाई, ए भाई उठो, है वो तुम्हारे आदमी चले गए। हाँ उठो, क्या भर गए? ए भाई, ए भाई, तुम मर गया। ये तो मैं नहीं जानता, मगर कसम गंगा मैया की मैंने अपनी आंखों से देखा, तीन आदमियों ने एक काली गाड़ी में से मरे हुए आदमी को निकाला और उसे हावड़ा ब्रिज पर फेंक कर रफू चक्कर हो गए। और तुम इस वक्त वहाँ क्या कर रहे थे? अरे अब तुझसे क्या छुपाना, मैं जरा दम लगाकर हवा का मजा लेने गया था। तो फिर तुमने आज दम लगाया और लगे नशे में बकवास कर। अरे नशा तो मेरा उसी वक्त हरण हो गया था जब मैंने ये माजरा देखा। और दूसरी बात ये है, रहने दो, चुपचाप जाकर सो जाओ। अगर किसी ने सुन लिया तो पुलिस को खबर कर देगा और तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना पड़ेगा? ये क्यों? और नहीं तो क्या, गांजा पीकर ऐसी बकवास करोगे, जेल नहीं तो क्या ससुराल जाओगे? ऊपर चमिया बात है, तू सब जा, ऊपर जा, चुपचाप सो जा। अच्छी बात है, आदमी आए, उन्होंने मरा हुआ आदमी फेंका और मैं कुछ कह भी नहीं सकता। गंगा मैया की, लहरें काउंट करता जॉन जोसेफ तलवार कर। जॉन जोसेफ क्यों? तलवार कर, तलवार कर। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार नाम, प्रेम नो करेक्शन विद रोमान। मैंने मैंने बहुत है सब रंगून में। गोल्डन गोल्डन, ब्रावो ब्रावो, कम ऑन, गुड गर्ल, ब्यूटीफुल डांसर। ओह थैंक यू, थैंक यू प्लीज। अच्छी बात, आप जाइए, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। ओके, आई विल कीप इट फॉर यू। थैंक यू। लेट्स प्ले द गेम ऑफ लव, फाइव एंड सिक्स, लेट्स प्ले द गेम ऑफ लव। शिकार हो गए।
पसीना हल्का गोरा ये रूप हाय, हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय। मुख पे पसीना हल्का गोरा ये रूप हाय, हमने तो आज देखी बरखा में धूप हाय। देखो ये लड़के सारे बेचारे दिल के मारे तुम पे निधार हो गए। देख के तेरी नजर बेकरार हो गए, जी हुजूर खैरी हम शिकार हो गए। आपने हमारे बेटी का तारीफ किया, हम बहुत खुश हो गए। थैंक यू रियली मैडम, आपने तो कमाल कर दिया। अगर हमारा डांस इतना अच्छा होता तो आपका फ्रेंड भी सिखा के उठ के चला जाता। व्हाट फ्रेंड? ओ फ्रेंड गॉन देयर देयर प्लीज कम। ओ फ्रेंड, आपको इनका डांस पसंद? देयर इज एडना अंकल। कम एडना, मीट अंकल जो। हम दोनों मिल चुके हैं। यस अंकल, ये मेरी भतीजी एडना। हेलो। हेलो। शीज चाइल्ड, शर्माती है। राइट, शेक ग्लास ठंडा पानी बॉय। पासपोर्ट प्लीज। ओ थैंक यू। ओके बिगर, फिर मिलेंगे। डार्लिंग। नमस्ते प्रेम बाबू। अरे शाम तू आज के घर में तो सब राजी खुशी है ना? सब ठीक है। मुझे मालूम था आप लोगों में से कोई ना कोई आएगा। देखो बड़े भैया का तो बहुत अफसोस है प्रेम बाबू। तुम्हें कैसे मालूम? ये सब गाड़ी में बताऊंगा, आप बैठिए। मदन भैया कब मिले? जिस रात को उनका खून हुआ उसी शाम को, और उसके बाद पुलिस वालों ने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया और फिर मैंने उनकी लाश को पहचाना। पुलिस ने तुम्हें क्यों बुलाया? तो बात यह है कि किसी परदेसी से अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए तो पुलिस वाले शहर के तमाम टैक्सी वालों को गाड़ी वालों को बुलाते हैं शनाख्त के लिए। मदन भैया कहाँ मिले थे? एक होटल के सामने। कौन सा होटल? मुझे वहाँ ले जा सकते? हाँ ले जा सकता हूँ, मगर हटके वो बड़ी खतरनाक जगह है। मैंने मदन भैया को भी रोका था मगर मुझे टाल कर चले गए। इसलिए मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ। हो सकता है कि मदन भैया के खून मुन्नों का हाथ हो। हाँ हटके हो तो सकता है। ले चलो मुझे। अच्छी बात। हटके जरा सुनो,
यहाँ पर अपना नाम और पता ठिकाना बिल्कुल गलत बताना है और मुझसे बातचीत ऐसे करना जैसे हम एक दूसरे को पहचानते भी नहीं। अच्छा जी हाथ के माफ कीजिएगा साहब, ये तो आ गया होटल, सामान निकाल ले आओ। चेयरमैन सामान उठाओ। सलाम मिस्टर ली। गुड मॉर्निंग। हाँ सबके लिए कमरा चाहिए। अच्छा आप कहाँ से आए? मैं नहीं आया, साहब आए हैं। आई एम सॉरी। आप कहाँ से? रंगून। रंगून। आपका नाम? राकेश शर्मा। आप कितने दिन यहाँ ठहरेंगे? ये कोई प्लीज सही था और आपकी सिग्नेचर कीजिए। अच्छा साहब आप नहा धोकर आराम कीजिए और मैं गाड़ी लेकर आऊंगा शाम को। विच रूम? रूम नंबर 10। जॉन चुम 10 नंबर के कमरे में साहब का सामान रखो। अच्छा सलाम साहब। मिस्टर ली अपना कमीशन। व्हाट कमीशन? हट के बाबा अपनी जबान बोलो, क्या अंग्रेजी बोलते हो, हमको नहीं समझ आती।
हो शाम हो कोई कस्टमर लाए हो? नहीं मिस्टर ली, वो रंगूनी कस्टमर आया था ना, उसे पैसे लेने भूल गया था मैं। अच्छा, तांगे वाले जी आया बाबूजी। कितने हुए जी? हटके 5 रुपए नौ आने। ये जो लड़की जा रही है ना, ये रंगून से मेरे साथ आई है, जानते हो कौन है? हाँ अच्छी तरह जानते। क्या करती? ये गंगा के किनारे इनका होटल है, वही धंधा करते हैं जो लोग भी जो चैन करता है। अब सुन बेचते हैं होटल है। हाँ जी, उस होटल में जगह दिला सकते हो? कोशिश करते हैं, कमरा खाली हो तो ना। कितने में? 5 रुपए नौ आने। 5 रुपए नौ आने जी। ओ चैन, देखो कौन आया। ओ हेलो इतनो। हेलो। अच्छा हेलो, कैसा? ठीक है बच्चे? तो बच्चे इतना तुम कितना टाइम की बात कर रहा है ना? यस मिस्टर चैन, इधर सब पहले का माफक, नो चेंज। लेकिन तुम एकदम चेंज हो गया, कितना खूबसूरत दिखता, कितना अच्छा दिखता। पार्टनर, मेरे ख्याल है पहले बिजनेस की बात हो जाए। ठीक है ठीक है। वेल जो, बोलो बिजनेस का क्या बात बोलना मांग? जो कह रहे थे कि वो कोकीन और असीम का स्टॉक कल रात को मिलेगा। तुम कल जाकर स्टॉक ले लो। वेल जो, जब भी तुम्हारा टेलीफोन मिला हम समझ गया तुम हमारा काम सक्सेसफुल किया। मिस्टर चेंग, अब हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है। बोलो बोलो। कल हमारा क्रिसमस है, हमको एडना को कुछ प्रेजेंट देने का है। हाँ, अभी हम हांगकांग रंगून इधर जाके आया, हमारे पास पैसा खत्म हो गया, कुछ पैसे का बंदोबस्त। यस यस, तुम घबराता काहे को, हम सब खर्चा देगा, एडना के लिए प्रेजेंट भी देगा। देखो कल हम प्यारेलाल के हाथ कैश भेजेगा, ठीक है एडना? यस मिस्टर चैंग, चलो अंकल अब चलो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ठंडा पिएगा। अभी हम एकदम थक गए। गुड नाइट। गुड नाइट अंकल। गुड नाइट जो। गुड नाइट प्यारेलाल, तुम थोड़ा ठहरेगा। एडना तुम चलो, मैं आता हूँ। भाई 10 रुपए ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो। हेलो श्यामू जी। सलाम एडना मेम साहब। सलाम सलाम सलाम, कैसे हैं? हटके मेम साहब, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसा है? श्यामू, वो साहब जिसका बाजू में तुम खड़ा था, तुम जानता? मैं जानता तो नहीं हूँ, नया कस्टमर है वो, मेरी हटके में आया है। अपना भी एक होटल है, उधर भी रूम मिलने को सकता है। मगर मेम साहब इसमें मैं क्या करूं? वो हाँ के मेम साहब, मैं समझ गया। सलाम जो। अच्छा डार्लिंग, शाम को 10 रुपए कहाँ को दिया? बस दिया। अपना होटल में जितना जास्ती कस्टमर्स आएगा उतना जास्ती बिजनेस होएगा। ओ तुम अभी से बिजनेस देखना शुरू किया, वेरी गुड वेरी गुड। हटके बाबूजी गाड़ी तैयार है। क्या हुआ? बात उल्टी हो गई। उल्टी हो गई? मैं तुम क्या मतलब? वो कह रही है तुम्हें उसके होटल में जाने के लिए। लेकिन क्या? अरे आओ 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 ना। हटके मिस्टर जो, तुम्हारे लिए हटके कस्टमर लाया। अरे आप जा रहे हो रे? ये तो मेरा होटल है। बड़ी खुशकिस्मती मेरी के फिर मिल गए। आप एक दूसरे को जानते हैं? जानते? अरे हम तो फ्रेंड है। हम रंगून से ही जात पर आए। हटके हम इसको यहाँ ठहराने के लिए लाया और आप वाकिफ निकल आया, अपना कमीशन तो गया फिर। अरे शामो तुम घबरा था काय को, तुम इतना बड़ा आदमी इधर ठहराने के लिए लाया, हम तुमको डबल कमीशन देंगे। मेंशन ना, अच्छा होगा तुम आज इधर आया, आज हमारा फेस्टिवल नाइट है। गुड गुड गुड। मैनेजर यस, ये हमारा फ्रेंड बहुत बड़ा आदमी है, इनके लिए अच्छा वाला कमरा दो। बट सॉरी सर, आज हाउसफुल है, कोई रूम खाली नहीं। हटके मैनेजर साहब क्या बात करता है, घोटाला क्यों करता है, हमारा कमीशन क्यों खाता है भाई? अरे शामू तुम घबराते काय को, सिंगो ये सब का सामान ऊपर ले जाओ, हम साहब को हमारा पर्सनल रूम में ठहराएंगे। थैंक यू मेंशन नॉट, कम ऑन। आपके जैसा बड़ा आदमी हमारे होटल में आया, हम बहुत खुश हो गया। थैंक यू मेंशन नॉट, हमारे होटल की सर्विस देख के आप भी बहुत खुश हो जाएगा। थैंक यू मेंशन नॉट, बहुत अच्छा वाला सर्विस है। कम इन सर, कम इन कम इन। दिस इज माई बेस्ट रूम।
खुली हवा, ब्यूटीफुल व्यू, हावड़ा ब्रिज, हावड़ा गैंग के। इसकी हावड़ा ब्रिज पर कुछ दिन पहले एक खून हुआ था ना? यस सर, यस सर। आप अब आराम कर सकते हैं। साहब, आपको कुछ ड्रिंक मांगता है? नहीं सर, एक चाय भेज दो। ओके सर, थैंक यू। मेंशन नॉट। एक मिनट साहब, ये हमको जो हम लेके जाता है आप? नहीं नहीं साहब, हम ले जाएगा नया साहब जाति बख्शिश। बख्शिश हम तुमको देगा। नहीं साहब, बोला ना देगा, छोड़ो। बना दो। जी सर। हेलो। हेलो, आप? दिस इज माय अंकल्स होटल। ओह, इसके हिंदी? हमको नहीं आता। लेकिन आप बोल तो रही हैं। Oh no, it's all wrong. ज़्यादा गलत नहीं है, आप मुझसे हिंदी में बात कर दीजिए। हमको शर्म आएगा। शर्म? हाँ पहले पहले शर्म आएगी, लेकिन जब सीख जाएंगे तब नहीं। आप हमको हिंदी सिखाएगा? जरूर सिखाऊंगा। आप इतनी खूबसूरत हैं, आप इतना अच्छा नाचती हैं, इसी बहाने थोड़ी देर आपके साथ रहने का मौका तो मिल जाएगा। आप ये कैसा बात करता? मैंने बुरा कहा? नो नो, हम बट शिप के ऊपर तो आप हमारे तरफ देखा भी नहीं था। सॉरी, उस वक्त मुझे कुछ परेशानियां थी। वरीज। हम कुछ हेल्प कर सकते? मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ, आप लड़की हैं। अरे वो हम बात करता ठीक ठंडा होता। हाँ, कोई बात नहीं। 50-50? No, thank you. दखलंदाजी की माफी चाहता हूं। एडना, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा नाम प्यारेलाल है, मैं एडना का दोस्त हूँ। बड़ी खुशी आपसे मिलकर। प्यारेलाल, हम ऐसा बिल्कुल लाइक नहीं करते। लेकिन क्या तुम काय को उसका इंसल्ट किया, काय को उसका चाय पिया? एडना, तुम्हारी हर चीज में हक है। बट वो चीज हमारा नहीं, उसका था। लेकिन एडना डार्लिंग, बनाए तो तुमने अपने नाजुक हाथों से थी। छोड़ो हमारा हाथ, तुम्हारा ऐसा हरकत देख के उसके दिल में क्या आया होगा? यानी मेरे दिल की फिक्र छोड़कर उस बेवकूफ का दिल की फिक्र कर रही हो? डोंट बी रबिश, तुमको कितना वक्त बोला है कि तुम? एडना डार्लिंग, ओ प्यारेलाल, तुम इधर, हम समझा तुम किधर गायब हो गया। एडना को छोड़कर हम किधर जाएगा? यस यस एडना डार्लिंग, डांस का टाइम हो गया, तुम अभी तक ड्रेस नहीं पहना। आज हम डांस नहीं करेगा। काय को नहीं करेगा? क्योंकि मुझसे नाराज है। डोंट बी सेंटिमेंटल डार्लिंग, इस राजी नाराजी में कुछ नहीं रखा। तुम जल्दी जाके तैयार हो जाओ, आज अपना फेस्टिवल नाइट है। तुम्हारा नाम सुन के सब टेबल बुक हो गया है। अपना नया कस्टमर मिस्टर राकेश तुम्हारा डांस देख के बहुत खुश हो जाएगा। ओ अंकल, तुम उनको हमारे डांस पे आने के वास्ते बोला? बोला है, जरूर बोला है। ओह, तब तो हम जरूर डांस करेगा, हम अभी रेडी होकर आता। थैंक यू डार्लिंग। कम ऑन मिस्टर प्यारेलाल, कम ऑन। अंकल जो, जरा अपनी एडना पे निगाह रखो। मतलब? मतलब यही कि अगर इसी तरह से हर नए पैसेंजर पर दिल फेंकती रही तो होटल कब तक चलेगा? वो तुम्हारे पास कब तक रहेगी? क्या बात बोलता तू, एडना हमको छोड़ के कभी नहीं जाएगी। एडना को हम अच्छी तरह से जानता, शी इज जस्ट चाइल्ड। आई है मेहरबान
इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा? राकेश बाबू, अगर पता चल सकता है तो सिर्फ इस लड़की से, और किसी से नहीं। वही तो कोशिश कर रहा हूँ। क्या खूब कोशिश कर रहे हो, हटके कुर्सी पर बैठे और सिगरेट पी रहे हो, ये कोशिश है? तो क्या करूँ? अरे बाबा, लड़की नीचे टहल रही है, उसके पास जाओ और पता निकालो। अच्छा। दे, दे, दे। चलो जल्दी जल्दी बना। क्या कर रही? कुछ नहीं, जरा करीमा से बात करते थे। चलो हो गया तुम्हें? किसका बोट है? हमारे सेठ अंकित जोगा है। हमारा बोट है। यू लाइक द बोट? ब्यूटीफुल बोट। जी चाहता है कि इस पर बैठ के जरा गंगा के। नहीं नहीं साहब, हमको बहुत जरूरी काम है। शट अप। आप नाराज होगा अगर वो पूछेगा तो हमारा नाम बोलो। देखिए बहुत जरूरी काम है, आप जानता है। जल्दी वापस आएगा। चलो कम ऑन। देखो देखो हावड़ा ब्रिज। ओ हावड़ा ब्रिज। हर रोज इधर से 10-20 लाख आदमी उधर जाता है, इधर आता है। इसमें तो ब्यूटीफुल।
देखता हूँ कि हवा में उठते हुए बाल शाम से लाल हुए बाल कुत्ता का है, पूरे हैं या चुम है। यह की बात है ना कि कौन कब कहाँ कैसे मिल जाता समझ में आता। तुम कहाँ थे, मैं कहाँ था, अचानक मिले, थोड़ा झगड़ा हुआ, फिर दोस्त बन गए। दिल तो यही कहता है, दिमाग से पूछूंगा तो दिल को तकलीफ, क्योंकि दिमाग हमेशा होशियार करेगा। एडना के बहुत से दोस्त हैं और हर दोस्त नो, एक को तो मैं जानता हूँ, बैरला। ओह नो, वो अच्छा आदमी नहीं है, एकदम बदमाश है, हमारे आगे पीछे घूमता है, हमको लालच दिखाता है, बोलता है तुमको रुपया देगा, तुमको ज्वेलरी देगा, तुमको शादी बनाएगा। ज्वेलरी? बदमाश। कौन ज्वेलरी? चाइनीज ज्वेलरी, वो उसका दोस्त है ना, दैट्स जॉन चैन। हाँ हाँ, एक बोलता तुम वो क्या ज्वेलरी, कुछ सर में पहनने का है? हमको उसका कुछ भी मांगता नहीं, आई हेट यू। लेकिन इतना जब वो तुम्हें इतने रुपए दे रहा है, इतनी ज्वेलरी दे रहा है, तो उसकी शादी क्यों नहीं कर ले? डोंट बी सिली मिस्टर राकेश, अगर तुम ऐसा बात करेगा तो हम तुमसे फिर से झगड़ा करेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कभी भी रुपए के वास्ते शादी बनाने को नहीं मांगते, हम आदमी अच्छा मांगते हैं। समझा। जवानी का पल्ला सुभानल्ला बाबू सुभानल्ला, घबराने क्या बात है, वो अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, तुम उनका सेक्रेटरी हो, तुमको कैसे मालूम हुआ? बोर्ड की आवाज। तुम किधर गए थे?
नहीं क्यों गया था? इधर नुकसान हुआ वो कौन भरेगा? यस मिस्टर राकेश, आप बीच में क्यों बोलता? अंकल शटर, तुम ये नहीं जानते रोज शाम को इधर तुम्हारा डांस होता है, कस्टमर आता है, फायदा होता है। शटर, कलकत्ते में और होटल नहीं है, उधर कस्टमर क्यों नहीं जाता, इधर ज्यादा कस्टमर क्यों आता है? आपका मतलब है इनकी वजह से? एब्सोल्युटली करें, बिल्कुल ठीक। इनकी गैर हाजिरी की वजह से आपको कितना नुकसान हुआ? यही 300-400 रुपए का। आप मुझसे ले लीजिए। वापस कर दो। तुम अब बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, जरा सोच समझ के चलना चाहिए। तुम उनका रुपया वापस नहीं करोगे? नहीं करेंगे। डोंट गेट फूलिश। साहब आपके लिए कानून आया। इतना मेन साहब ने चिट दिया। ये रुपए तुमने मुझे कब वापस किए? सॉरी अंकल, आपसे रुपया लिया, हमको ये बात बहुत बुरा लगा, हम माफी मांगते हैं, प्लीज। लेकिन ये रुपए तो मैंने तुम्हारे अंकल को दिए थे, तुम्हें नहीं। सेम थिंग। क्या सेम थिंग? एक ही वाला बात है, आप नहीं जानता, हमारा अंकल हमेशा ऐसे ही करता। इतना बड़ा होटल, इधर से रुपया आता, हमको डांस कराता, उधर से रुपया आता, वो जो बोलता हम वही करता। लेकिन हम अपने दिल का एक बात भी नहीं करने को सकते। क्या दिल की बात? हम आपके साथ गए थे ना, आप नहीं जानता, अगर हमारा मदर फादर होता तो आज हमारा ऐसा कंडीशन नहीं होता। इतना तुम्हें तकलीफ किस बात की? अंकल बुरा है, उसका साथी बुरा है, उसका काम बुरा है, एकदम बुरा है। काम बुरा? हम बोलते हैं जितने लोग भी मित्र, सब सेल्फिश, सब अपना मतलब देखता, अपना मतलब देखते सब लोग। तुम्हारा ख्याल है कि मैं भी मतलब ही? Not you. आप different हैं उन लोग से। आप बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं अच्छा आदमी? हमारे टीम बोलते हैं आप बहुत अच्छे। झाड़ा ब्रिज को देखता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि अब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मामला पुलिस के हाथ में है। हटके कलकत्ते की पुलिस बड़ी होशियार है, उससे बड़े बड़े डाकू डरते हैं, इन बदमाशों की बताती क्या तो समझा। लेकिन अगर बदमाशों के पकड़े जाने के बाद भी ड्रैगन नहीं मिला तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हटके ये बात पता थी। मुझे तरकीब सूझी है। वो क्या? तो मुझे जौहरी के पास ले जा सकते? जौहरी के पास? वो क्या? मैं बताता हूँ। जोहरी को जानते हो किसी? हाँ हाँ जानता हूँ, अपने सारा कलकत्ता वाकिफ है, बड़े बाजार चलना पड़ेगा। चलो चल बेटा, बोलो चल चल जरा बड़े बाजार। हक्के ओ बोसाबू केमन आछेन? बोसाबू हाँ भालो भालो कोथा छिलान दी? हाँ व्यस्त छिलान। बोसाबू इन्हें किसी तैयारी कराते चान? आपने की चाहिए? मुझे खास चीज करवानी। आसुन मैनेजर से बात करूँ? मैनेजर बाबू देखिए ते भद्रलोक की तैयारी कराते चान। आसुन आसुन। नमस्कार। नमस्कार। देखिए मुझे बिल्कुल ऐसा ही जेवर बनवाना है। इफेक्ट ये है, ये एक नाटक के लिए चाहिए। और देखिए इसमें जो जवाहरात है ना वो देखिए मैनेजर साहब, जवाहरात जो हैं वो जरा आप नकली लगाइए मगर नजर असली आने चाहिए। पूजी जी पूजी जी। कब चाहिए? कल। कल? तो तड़ातड़ी इतनी जल्दी कैसे होगा? कल ही ड्रामा है ना, इसीलिए मैं आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करूंगा इसके लिए। पूजी जी बड़ो सख्त काज, 500 टका लागे। 500? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 100 रुपया एडवांस दे दीजिए।
मगर मैनेजर साहब बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। काम बहुत मुश्किल। अच्छा मिलेगा कब? ओ कल संध्या वाला तक मिलेगा। अच्छा अच्छा शाम को। नमस्कार। नमस्कार पुष बाबू, हमारा कमीशन था। मिस्टर ली, ये अरब से बहुत बड़े सौदागर आए हैं। और हटके तुम्हारे मालिक से कारोबार के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। मैं अभी बॉस से बात करता हूँ। बॉस, आई एम ली स्पीकिंग। बॉस, एक बहुत बड़े सौदागर आए हैं अरब से, आपसे मिलना चाहते हैं। और एक बॉस बाबू साहब को बॉस के पास ले जाओ। बहुत शुमा यानी पहले आप मिस्टर लेक मिशन। तुम हमारा जरूर दिवाला निकालेगा। अरे बाबा हटके जनाजा तो नहीं निकालूंगा ना, दिवाला ही है ना बाबा। ग्राटी लाया तुम्हारे पास, इतना बड़ा धंधा करेगा तुम्हें निवाल। बॉस, ये अरब के मशहूर सौदागर शेख फतुल रशीद साहब। सलाम अलैकुम। सलाम सलाम। सिट डाउन प्लीज, सिट डाउन। पहले ममनून है मागो। शुक्रिया। थैंक्स। ओ नो मेंशन, नो मेंशन। हम आपका इस्म शरीफ। ओ शरीफ, तुम शरीफ, हम शरीफ। नो 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 शरीफ, इस्म शरीफ नाम। हम आपका नाम सुना। चैंग चैंग तो सुना। रंगून। कौन बोला हमारा नाम? मिस्टर चैंग, आपका सेक्रेटरी बहुत खूबसूरत है लेकिन। ओ यस यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। टोले प्लीज। कौन बोला हमारा नाम? रंगून का सौदागर, मर्चेंट लोग जो जमीन के नीचे काम करता है। जमीन के नीचे? माने पुलिस के पीछे। ओ नो 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 नो, मिस्टर रशीद, अपना कोई काम ऐसा नहीं है, अपना काम सब स्ट्रेट है। समझ गया, हम समझ गया मिस्टर चंग, हमारा भी काम स्ट्रेट सिंपल। ओके यस, एब्सोल्युटली स्ट्रेट। हम हांगकांग गया, हांगकांग से रंगून गया, रंगून में हमारा काम बन गया। हम आपके लिए चीज लाए। चीज? क्या चीज लाया? छोटा मामूली चीज है। नो नो मिस्टर रशीद, तुम जानता अपना बिजनेस बहुत बड़ा, हम छोटा चीज में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। मिस्टर चैन, हमको पैसे का तकलीफ, इसलिए आपके पास आया। ओह नो 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 मिस्टर रशीद, तुम जानता हम अपना वक्त जाया नहीं करना मांगता, तुम भी अपना वक्त जाया करो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर। जब भी मिस्टर चैन एक नजर देख किधर से मिला? आपको नाम भी मालूम है, आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा, लेकिन जो देखा वो नकली, ये असली। नकली? जी नहीं, ये असली। रंगून से एक मदन गोपाल आया था, नकली लेके उसका खून हो गया। नो नो नो, हम कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता होगा। अच्छा मिस्टर शी, प्लीज बैठो बैठो। आपको पसंद है? पसंद है। कितना दाम? 7 लाख। 7 लाख ज्यादा है? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तुम इधर बैठना, हम अभी आता चला। नहीं हाँ, रुपया देकर आता। क्या मांगा तुमने? अरे आप माफ करना, आपके अगर अपनी सवारी आ गई है, तुम लोग जाओ भाई। यकीन नहीं कि बिलीव मी, इट्स ट्रू। एकदम सच्चा बोलता है, तुमको बहुत प्यार करता है। इतना लेकिन लेकिन तुम हमको भरोसा नहीं करते? नहीं, ये बात नहीं करना। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? शादी?
मुझे इस होटल का माहौल तुम्हारा नाच और ये सब मुझे पसंद नहीं। सब छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, तुम जो करेगा वो हम करेगा, सब ले चलेगा हम करेगा। सजना, मैं जिस मंदिर की तलाश में आया था उसका रास्ता अब नजर आ रहा है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरा कोई नहीं है सहारा, मेरा कोई नहीं है सहारा। कुछ तू ही अपने भीकू का ख्याल कर यार। अरे छप्पर नहीं तो जमीन फाड़ कर ही कहीं से 150 दिलवा दे ताकि ये गांजे की तकलीफ तो ना रहे। आज का ताजा अखबार सरकार की तरफ से 10,000 रुपए के नाम, खबर की खूनी का पता देने वाले को 10,000 रुपए के नाम। अंधे कहीं के मछली जैसी आंखें फिर भी देख के नहीं चलते। अरे कसम गंगा भैया की गर्म क्यों होती है, बात तो सब सुनो। क्या जिसने मेरा घड़ा तोड़ा पहले उसका सर तोड़ो फिर बात सुनूंगी। अरे चमो सुन ना। अरे अगर मेरा सर तोड़ देगी तो तुझसे शादी कौन करेगा, तेरे लिए जेवर और कपड़े बनवा कर कौन लाएगा। एक तो सवेरे इतना बड़ा नुकसान किया फिर ऊपर से बातें बनाते हो। हाँ कसम गंगा भैया की तेरी समझ में तो जब आएगा जब मैं 10,000 रुपए का इनाम लेकर आऊंगा और भिकू से सेठ भिखारी मल बन जाऊंगा। अच्छा
तो आज सवेरे से जमाए हुए हो क्या? गांजा और क्या। ठहरो, अभी तुम्हारा नशा ना उतरवाया तो मेरा नाम भी छमिया नहीं छमिया। चाचा, ओ चाचा। अरे भाई हटके, ये क्या सुबह सुबह शोर मचा रखा है? तुम्ही ने इतना सर पे चढ़ा रखा है कि सुबह से शाम तक फिल्म चढ़ाए रहते हैं। और देखो क्या बात है। देखो नहीं, सेठ भिखारी लाल कहो। हटके। अच्छा सेठ भिखारी लाल जी, गाड़ी तो तैयार कर दी? हाँ तैयार कर दी है, लेकिन सुनो, कल से मुझसे घोड़े की मालिश ना हो सकेगी, किसी नौकर दोस्त कर लो। अबे हटके, ये क्या बाकी बाकी बातें कर रहा है? अरे चाचा ये नहीं, 10,000 वाली खबर पढ़ो। 10,000 वाली कहाँ भाई? 10,000 रुपए नकद का इनाम। हावड़ा ब्रिज पर हुए खून के खूनी को बताने गए वाले को 10,000 रुपया नकद इनाम मिलेगा। बस 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 चाचा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे वो मैं ही आदमी हूँ। क्या बकता है, खून तुमने किया क्या? चाचा बात एक ही है, खून किया नहीं, लेकिन होते इन आंखों से देखा है। क्या देखा तुमने? चाचा मैंने देखा कि हावड़ा पुल के ऊपर 4 आदमी आए, उनमें से एक मोटर उतरी। अरे 4 आदमी में से एक मोटर कैसे उतर सकती है? एक मोटर में से 4 आदमी उतरे होंगे। चाचा बात वही है, एक मोटर में से 4 आदमी उतरे और उन्होंने एक लाश जमीन पर फेंक दी और वो चारों भाग गए। अपनी आंखों से देखा तुमने? हाँ चाचा, कसम गंगा मैया की, मैंने उन चारों आदमियों में से एक को अच्छी तरह देखा है। अगर वो मेरे सामने आए तो उसे अभी पहचान लो। देखो तू यही कह, मैं भी आता हूं। तुम पुलिस स्टेशन अकेले ही अकेले जा रहे हो, इनाम अकेले ही लोगे क्या? अरे प्यारे पुलिस स्टेशन नहीं जा रहा, कहीं और जा रहा हूँ, इनाम तुम ही ले लेना, मगर नहीं ठहरो। देखो छमिया, इसे जाने मत देना, जब तक मैं वापस न लौटूं इसका ध्यान रखना। अब तो एजी और सुनते हो जी कहने लगी। शामू चाचा की बातों से पता चल गया कि मैं 10,000 रुपए का मालिक बनने वाला हूँ। मैं नहीं ऐसे रुपए पैसे की परवाह करती, अभी से इतना करने लगे, जब हाथ में रुपया आ जाएगा तो धरती पे पैर भी नहीं रखोगे। अरे धरती पर क्या, मैं तो आसमान पर भी पैर नहीं धरूंगा, मैं तो दिन रात हवा में उड़ता फिरूंगा एक मोटर वाले के साथ शादी करके। अच्छा तो फिर जाओ किसी मोटर वाली से ब्याह कर लो, मैंने तुमसे बोलते। अरे रुक, सुनो। अरे सम्मो, ए सम्मो, सम्मो। मैं जान गई तुझे सैया, हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार थिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया, हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार थिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया। तू मस्त घटा मैं बादल, तू आँख है मैं हूँ काजल, मेरी सांस में तेरी खुशबू, तेरे प्यार ने कर दिया पागल। तू मस्त घटा मैं बादल, तू आँख है मैं हूँ काजल, मेरी सांस में तेरी खुशबू, तेरे प्यार ने कर दिया पागल। मैं जान गई तुझे सैया, हाथ छोड़ दे मोरी पैया, मतलब के यार थिया मुझको मार, अब काहे पड़त मोरी पैया। मैं जान गई तुझे सैया। कहे तो ला दूं, तारों से मांग सजा दूं, है प्यार मुझे भी कितना, मैं चीर के दिल दिखला दूं। तू चांद कहे तो ला दूं, तारों से मांग सजा दूं, है प्यार मुझे भी कितना, मैं चीर के दिल दिखला दूं। मैं जान गई तुझे सैया, तेरे गाल पे जो भी दिल है, मेरा प्यार भर
है तेरे गाल पे जो भी दिल है मेरा प्यार भरा वो दिल है मेरा ही हुमत वाला तू प्यार भरी मंजिल है ओए मैं जान गई तुझे सैया हट छोड़ दे मोरी पैया मतलब के यार दिया मुझको मार अब काहे भड़क मोरी पैया मैं जान गई तुझे सैया हट छोड़ दे मोरी पैया मतलब के यार दिया मुझको मार अब काहे भड़क मोरी पैया मैं जान गई तुझे सैया अब तो मान गई ना शम्मो मगर फिर ऐसी बातें नहीं करना अरे गंगा मैया की कसम मैं तो तेरा दिल देखने के लिए वो मोटर वाले की बात कर रहा था वरना मैं तो तेरा गुलाम हूँ गुलाम बस रहने दो ज्यादा बातें ना बनाओ सम्मो एक बात कहो कहो तू है तकदीर वाली कैसे कैसे अरे तेरा प्यार तो हुआ था गरीब भिकू से और शादी करेगी सेठ भिखारी लाल से अरे क्या हुआ अरे वो चाचा अभी तक नहीं आया आते हुए ऐसी जल्दी भी क्या है अरे जल्दी कहीं ऐसा ना हो कि भतीजे हटके और माल चाचा का उनके लिए ऐसी बातें कहते तुम्हें शर्म नहीं आती अरे इसमें शर्म की क्या बात है 10,000 का मामला है मैं जाता हूँ कहाँ पुलिस चौकी अरे सुनो तो अरे शुभ काम में टोका नहीं करते कसम गंगा मैया की मैं अभी गया और अभी आया हाँ जल्दी आना शाम उस वक्त हटके आपने आज का ये छापा पड़ा अखबार मदन भाई के खूनी को पकड़ने के लिए जो ऐलान किया गया वही हटके मैं उसे लिए आया हूँ मेरे एक साई साहब भीकू उसने ये सब माजरा अपनी आंखों से देखा है क्या करा तुम क्या देखा उसने ये देखा कि वो गांजा देकर गंगा के किनारे जा रहा है और हावड़ा ब्रिज पर चार मोटरें आकर रुकी उसमें से एक आदमी चार मोटरों में से एक आदमी क्या कह रहे हो बोलेगे जी एक आदमी आकर रुका उसमें से चार मोटरें उतरी हैं ऐसा करो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ मुझे उसके पास ले जाओ अच्छी बात है भीकू ने गांजा पिया और चक्कर मुझे आ गया बाबू आप क्यों जाते हैं आप यहीं ठहरिए मैं उसको ध्यान आता हूँ अच्छी बात मैं इंतजार कर रहा हूँ जल्दी जाओ The informant shall be paid 10,000 rupees reward. 10,000 rupees inaam. यही तो मुझे डर है इतनी बड़ी रकम के लालच में कोई हमारा राज पुलिस तक ना पहुंचा दे बॉस हो सकता है कि वो टैक्सी ड्राइवर नहीं नहीं वो अपने भरोसे का आदमी नो भरोसा कोई एविडेंस कोई सबूत कोई विटनेस पुलिस के लिए नहीं छोड़ा जाए सुना तुमने उस ड्राइवर को वेट ले तुमको कोई आदमी उधर देखा वो बस हावड़ा ब्रिज पर स्टीमर का लाइट हमारे चेहरे पर गिरा तब कोई आदमी हमको उधर देखा ऐसा मन शक है बस शक नहीं तुमको जरूर कोई आदमी उधर देखा टेक नो चांस जैसे भी हो उसका पता लगाओ किधर से भी उसको इधर लाओ पुलिस नहीं हम उसको इनाम देगा चाह मेरे ख्याल से हावड़ा ब्रिज के पास जितने पुलिस स्टेशन हैं हम वहां अपने आदमी छोड़ दें इनाम का ऐलान सुनकर वो आदमी वहां जरूर आएगा वेरी गुड वेरी गुड लाल ये सब मामला तुम अपने हाथ में ले लो ये देखो ओह ये तो हावड़ा ब्रिज वाले खून के इनाम का ऐलान हाँ हाँ वही इनाम लेना है घबराओ मत तुम्हें भी 10 रुपया बख्शिश दूंगा कसम गंगा भैया की चुप रहो रास्ता नापो अच्छी बात है देखो हवलदार जी मैं कहता हूँ तुम्हें पछताना पड़ेगा अरे मुझे इस मामले में बहुत कुछ मालूम है और यही बात मैं थानेदार जी से कहने के लिए आया था तुम नहीं जाने देते ना जाने दो तुम्हारी मर्जी जयराम जी की हाँ पछताओगे ना क्या ए सुनो इस मामले में कुछ जानते हो अजी कुछ क्या मैं बहुत कुछ जानता हूँ कसम गंगा मैया की चलो मेरे साथ चलिए
इधर नहीं, इधर। ये मामला है तो मेरा शक सही निकला। बाबू तुम अंदर जाओ और सुनो वो क्या बकवास करता है। ओके बॉस। आप क्या जानते हैं? अजी बहुत कुछ जानता हूँ बाबा जी। हवलदार साहब एक रिपोर्ट लिखवानी थी। आप यहाँ तशरीफ रखिए, साहब अंदर काम कर रहे हैं। जिस वक्त उस आदमी के चेहरे पर रोशनी पड़ी और तुमने उसे देखा, उस वक्त तुम्हारे साथ कोई और भी था? नहीं सरकार। कार का नंबर पढ़ा था तुमने? सरकार अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो आज थानेदार ना बन जाता। बकवास बंद करो। तुम उस कार को पहचान सकते हो? गंगा मैया की कसम सरकार, गाड़ी को देखते ही पहचान जाऊंगा। काले रंग की, पुराने ढंग की सरकार, इतनी तेज भागी कि देखते ही देखते आंखों के सामने से गायब हो गई। कलकत्ते में तो ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं। सरकार मोटर को गोली मारिए, आप उस आदमी को गिरफ्तार करके ले आइए। गंगा मैया की कसम मैं फौरन पहचान जाऊंगा। सरकार दुबला सा, सूखा हुआ मुंह, लंबी लंबी मूछें, सरकार बिल्कुल भूत था भूत। ठीक है, जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। पर सरकार आपने जो छापे में 10,000 का इनाम छापा है वो? हाँ हाँ, पहले हमें उस गाड़ी का पता लगाना होगा, फिर खूनी की तलाश करनी होगी, उसे पहचानने के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा। जब उसे सजा मिल जाएगी तब तुम्हें इनाम मिलेगा। बाप रे बाप, जब इतना लंबा चौड़ा झंझट था तो आपने छापे में क्यों नहीं छाप दिया? सरकारी काम सब कायदे से होता है। अच्छा सरकार, आप कायदे से कीजिए, मैं जाता हूँ। जयराम जी की। तो भीगू को देखा तो पुलिस ने रिपोर्ट किया, हमको आके बोलता है, उधर उसको खत्म क्यों नहीं किया? बॉस को पुलिस के साथ किया। वो पुलिस के साथ क्या, तुम अकेला चाहो, उसको इधर लाओ। और एक बात, पात्र की तरह बॉस, पार्टनर अंकल जो का होटल में गया। ओ भाई गुडनेस, इधर सब काम खराब होता है, उधर वो एकल के साथ रोमांस करता है। टैक्सी ड्राइवर का क्या हुआ? बॉस उसका फैसला अभी करने जा रहे हैं। यू फूल इडियट, गेट आउट। ए बासु। जी सरकार। तुम यहाँ रहते हो? सरकार तुम जानते हो भीखू कहाँ रहता है? भीखू कौन सरकार? वो गंजेरिया जो सामने वाला मकान में रहता है सरकार। इसमें? जी सरकार। तो क्या बात है सरकार? कुछ नहीं। अरे पुलिस, आइए आइए सरकार, आइए। डरने की कोई बात नहीं भीकूलाल, हम तुम्हें एक तकलीफ देने आए। वो 10,000 रुपए का जो तुम्हें इनाम मिलने वाला है वो लेने के लिए तुम्हें हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। अरे वाह वाह सरकार, आपके मुंह में घी शक्कर, चमिया चमिया। सरकार आप इससे पूछ लीजिए फिर चलता हूँ। वो 10,000 रुपए का जो इनाम इन्हें मिलने वाला है ना, उसके लिए हम इन्हें थाने लिए जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है सरकार, हमारे जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएंगे। मकान खरीदूं, घोड़ा खरीदूं, गाड़ी बनाऊं और शादी कर लूं छमिया से। तुम्हारे साथ दूसरा कौन था जब तुम हावड़ा ब्रिज पर गड़बड़ देखा? नहीं साहब, मेरे साथ कोई नहीं था। गंगा मैया की कसम मैं अकेला ही था। अकेला था? तुम मुझे क्या देखा? अरे साहब कह तो दिया, एक काली सी गाड़ी में से 3 आदमी उतरे, उन्होंने एक मरा हुआ आदमी निकाला, इतने में स्टीमर की लाइट एक आदमी के चेहरे पर पड़ी और मैंने उसे देख लिया। झूठ बोलता, तुम उधर कुछ नहीं देखा। अरे साहब आप क्या बोलते हैं, कसम गंगा मैया की, वो आदमी मेरे सामने आए तो मैं अभी उसे पहचान लूंगा। गंगा भैया की, यही वो भूत है, इसी को मैंने देखा था। नहीं, तुम इसको कभी नहीं देखा, तुम इसको बिल्कुल नहीं पहचानता। बस आप कैसे नहीं पहचानता, हम अपनी आंखों से देखा है। अगर 10,000 रुपए लेने हैं तो यही कहना होगा। ऐसा तो हटाओ, अपना तो डबल फायदा है, 10,000 पहचानने के लिए पुलिस से मिलेगा और 10,000 नहीं पहचानने के लिए आपसे मिलेगा। लेकिन तुम अब पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। मां साहब, अगर मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मुझे इनाम कैसे मिलेगा? अब देखिए आप, कसम का भैया कीजिए, मैं कहां फंस गया। खामोश बाबू। यस बॉस। इसको ले जा। अरे मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे इनाम नहीं चाहिए। अजी मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, कसम का भैया की मेरी चमिया रोनों के पर भी आएगी। बाबा मुझे माफ कर दो, मुझे रुपया नहीं चाहिए। तो
तुम्हारे लिए मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा कोई पता ही नहीं। शब्बोनाश हटके, जिस बात का मुझे डर था वही बात हो गई। क्या बात हो गई? मैं गया भीकू को लेने, वहां से पता पुलिस स्टेशन गया है। पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस वालों ने बताया कि रिपोर्ट लिखाकर वो घर जा चुका है। मैं फिर घर वापस आया, मेरे सामने से एक गाड़ी काली गुजरी। मैंने जाकर समिया से पूछा कि वो कहाँ है। उसने बताया वो काली गाड़ी वाले उसे ले गए। वो काली गाड़ी चैंक है, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ उसको। मैं चैंक का सर फोड़ दूंगा, उसको ले गया। शामू शामू, इस तरह शोर मचा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। उस चैंक के होटल में ले चलो। चलो तुम किधर क्या था प्यारेलाल? दीपू का इंतजाम किया ना। वो सौदागर का क्या हुआ? कौन सौदागर? तुमको इतना विश्वास नहीं, वो सौदागर के 40 ड्रैगन बेचने आया था शामू के साथ। अब वो चला गया। प्यारेलाल तुम नहीं जानता, हम जानता। वो सीआईटी का आदमी है। तुमको कुछ फिक्र नहीं, तुम अपने साथ हमको भी जेल में भेजेगा। तुम काम नहीं देखता प्यारेलाल, दिन रात एडना के चक्कर में रहता। मेरे साथ ही मामला में दखल देना तुम्हें कोई हक नहीं। प्यारेलाल यार तुम कैसा बात करता? ठीक बात करता। वो ड्रैगन का किया रखा है, बेचा क्यों नहीं? नहीं बेचा तुम से मतलब? मुझसे यह मतलब कि तुम उसे अकेले हजम नहीं कर सकते, तो जल्दी बेचो ताकि मेरा शेयर मुझे मिल जाए। गुड नाइट जॉन चैंग। तो क्या बात है? मैं पैदल जाता हूँ, तुम ही ठहरना। अब मगर सुनो जरा हटके, शायद वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अगर तुम कहो तो मैं पुलिस को खबर कर दूं। अच्छी बात है, कर दो। हेलो हेलो, एजेंट इंटरनेशनल। यस यस, देखो सिंगापुर जाने वाला जहाज कितने बजे आएगा? 10 बजे। वेरी गुड। कोई सीट है? देखो एक सीट बुक करो। माय नेम इज जॉन चैंग। यस जॉन चैंग, हम अभी आता। यस थैंक यू। क्या कहा? चैना बाजार चैंग का होटल? मगर आप कौन है? आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, अजीब बात है, चैंग होटल में कोई भयंकर घटना होने वाली, मगर फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया। प्यारेलाल, आपका पार्टनर प्यारेलाल। तुम इधर कैसे आया प्यारेलाल? आना पड़ा ये देखने के लिए कि हमारे पार्टनर की नियत में कितना फर्क आ गया है। What? नियत में फर्क? ये तुम कैसे बात बोलता प्यारेलाल? तुम कहाँ जा रहा था? तुम जानता नहीं पुलिस का कितना डेंजर है इधर प्यारेलाल। इसलिए माल लेकर भाग रहा था। कैसा माल? इसमें क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कागज है, पर्सनल कागज। खोलो सर। नहीं खोलेगा, नहीं खोलेगा। मैं खोलूंगा। तुम खोलेगा? ओके खोलो, तुम खोलो, खोलो तुम खोलो। नहीं खोलता, हम तुमको खोल के दिखाता, हम तुमको खोल के दिखाता, हम दिखाता। देखो देखो ये कैश, देखा
ये चाइनीज ड्रैगन, ये सब चैंग का है, चैंग का। हम इसको लेकर जाएगा और तुम, तुम्हारा लाश जमीन पर गिरेगा। नहीं चैंग, ऐसा मत करो। आई एम सॉरी, पैसे के लालच में। हाँ, तुम सॉरी बोलता, रिवॉल्वर को देखकर तुम सॉरी बोलता। नहीं चैंग, मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा, मुझको माफ कर दो। मैं जाता हूँ चैंग, गुड नाइट चैंग। सरकार, तुम सॉरी बोला? हाँ चैंग। तुम माफी मांगा? यस चैंग। तुम गलती क्या, तुम हमसे माफी मांगा? यस चैंग। वेरी गुड, वेरी गुड। चैंग तुमको ऐसे नहीं जाने देगा। लो, लो, थोड़ा कैश लो, लो। थैंक यू चैंग, थैंक यू चैंग। Get out! Get out! Get out! क्या मामला है? मैं तो अभी आपको टेलीफोन करा रहा था। किस लिए? मेरे पार्टनर चैंग का फोन हो गया। फोन? मगर अभी 20 मिनट पहले जो मेरे पास टेलीफोन आया था उसमें खून की तो कोई खबर नहीं थी। 20 मिनट पहले आपके पास टेलीफोन आया? हाँ, उसमें सिर्फ यही था कि कुछ गड़बड़ होने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने खून किया उसके पुछाते भी था। खून ही को मैंने बंद कर रखा है। आप आइए। बंद रखा है? कमान कमान। आइए इंस्पेक्टर साहब। किस कमरे में खून हुआ है? आइए। खूनी इसी कमरे में है। अपनी जगह पर खड़े रहो। कोई भी हरकत की छूट कर दी जाओगे। इसी में खैरियत है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। बाबू बत्ती जलाओ। अरे यहाँ तो इस लाश के सिवा और कोई भी नहीं है। इधर भाग गया मेरा पार्टनर चैंग। सिपाही लाश को कब्जे में लो और इस कमरे की कोई भी चीज कोई हाथ नहीं लगाए। सिगरेट के पीके किसका ये?
ये तो मैंने जोगी होटल में पैसे पर देखा था। क्या क्या चाहिए? शायद उसने खून किया हो। तुम जानते हो उसको? जी हाँ। और मेरे साथ इतना तुम आ गया। तुमने क्या कर लिया? हम तुम्हारा खाना लाया होता, वेट करते करते सो गया। किधर चला गया था तुम? कितना देर से आया? What's wrong with you? Wrong? अरे पसीना आता। हाँ मैंने कहा था ना, मेरे सर में दर्द है। अभी तक? हाँ मेडिसिन लाता। कोई जरूरत नहीं है ना, कब सुबह तक तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर सुनता भी नहीं। लेकिन मेरा सिगरेट किस कहाँ गया? गिर गया। शायद वहीं गिर गया होगा। किधर गिर गया होगा? सड़क पर जहाँ मैं घूमने गया था। ओह कम ऑन, लेके आता। नहीं इतना जरूरत नहीं, मैंने कहा ना मेरी तबीयत अच्छी नहीं। शायद काहे को करता? सॉरी। हम सब समझता। क्या समझता? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रेस्ट करो। गुड नाइट। गुड नाइट। तबियत प्यार वाले सारा इल्जाम तुम्हारे सर पर सौंप दिया है। मेरे सर? हाँ हाँ, तुम्हारा सिगरेट केस वहाँ रह गया था, वो पुलिस के हाथ में आ गया है। तो मेरा ख्याल ठीक था कि सिगरेट तुम्हें गिर गया। अब पुलिस के हाँ आ रही, यहाँ से भाग चलो। कहाँ भाग चलो? तुम तो मेरे साथ आओ, घबराते क्यों हो? लेकिन राकेश, आपने बताया नहीं कहाँ गया राकेश? हम नहीं जानता। कानून के खिलाफ कोई काम करने की कोशिश मत कीजिए मिस एडना। करेगा तो फंसेगा मैडम। एडना डार्लिंग, सच सच बोल दो ना, किधर गया वो आदमी? हम सच बोला अंकल, हम नहीं जानता। बट ये सब क्या है? राकेश ने खून किया है। खून? मर गए? ये कहना, राकेश ने चैन का फोन किया। ये रॉन्ग होगा। इट्स रॉन्ग। राकेश अच्छा वाला आदमी, ऐसा काम कैसे करने को सकता है? राकेश के खिलाफ पुलिस के पास सबूत है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है। जो कुछ तुम जानती हो इंस्पेक्टर बता दो। हम तो कुछ नहीं जानते, तो क्या बताएगा? सोच लो, अच्छी तरह से याद कर लो मैडम। मिस एडना, आपने खूनी के भागने में मदद की। हम किसी को मदद नहीं किया। और खूनी की मदद करना भी एक जुर्म है। नो नो सर, हमारे आदमी बिल्कुल सिंपल ऑनेस्ट लड़की है, झूठ कभी नहीं बोलता। उसको जो मालूम है सब बता देता। उसके प्यारे लाल, आपको उसके बारे में और कुछ मालूम है? इंस्पेक्टर साहब, इसका जवाब आपको मिस एडना बेहतर देंगे। हम आपसे सब कुछ मालूम कर लेंगे। आपको पुलिस स्टेशन बयान देने के लिए जाना पड़ेगा। पुलिस स्टेशन? नो नो सर, हम बिल्कुल इनोसेंट आदमी हैं। एडना कुछ नहीं जानता। कम ऑन अंकल, जब हम कुछ नहीं किया तो डरता कैसे? कम ऑन। अगर उसने खून नहीं किया तो फिर वो फरार क्यों हुआ? हम समझते हैं वो डर गया होगा। सच्ची आदमी को डरने की क्या जरूरत? अगर वो बेकसूर है तो अपने खिलाफ पाए गए सब सबूतों को झूठा साबित करने के लिए उसे अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इसलिए कि आपके साथ के जो ताल्लुकात थे उनकी रोशनी में उसके हर पोशीदा रास्ते आपको वाकिफ होना चाहिए। बट वो हमको कभी कुछ बोला नहीं। क्या आपको ये भी मालूम नहीं था कि उसका असली नाम राकेश नहीं प्रेम कुमार है? भाई बहुत हमको मालूम है। क्या ये मतलब हुआ कि आपको भी अपनी झूठी मोहब्बत में फंसा कर धोखा दिया? हम नहीं मानता कि वो हमको धोखा दिया। हम तो ये भी नहीं मानता कि उसने चैन का खून किया है। बहुत अच्छा आदमी है, हम प्रूव करेगा कि वो एकदम ये जाने बिना आप कहें साबित कर सकेंगे? और उसके तभी मालूम होगी जब आपकी उससे मुलाकात हो।
और मुलाकात हो भी कह सकती है जब आप खुद नहीं जानती कि वो रहता कहाँ है। कैसा भी कहीं भी हम उसका पता लगाएंगे। लेकिन इतने बड़े शहर में आप उसे कहाँ तलाश करती फिरेंगे? सब जगह पे हम उसको ढूंढेगा, सब जगह। इसके लिए आपको पुलिस की मदद की जरूरत पड़ेगी। नो इंस्पेक्टर, हम उसको खुद ढूंढेगा, हम प्रूफ करेगा कि वो एकदम बेकसूर है। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। चलो अंकल। दिल मेरा लूट लिया, तेरी पगड़ी रंग
हमारा गाड़ी खाली नहीं है। अरे अच्छा पिशा, नेम साहब वास्ते गाड़ी खाली है। और मैं क्या बादशाह किथे जाना जे? पापा जी इसको अंग्रेजी के बीच में समझा। यस यस यस, वो वेयर मेम साहब, हम किधर जाना वाला मांगता नहीं। वो आदमी हमारा पीछे पीछे आता है, एकदम बदमाश है। ओके ना, ओ पेंट शर्ट बदमाश, हटो पिशा। ओए बहू, ओ तेरे घर मां बहन है नहीं? ओए ओए शर्म कर, कुड़ी दे पीछे पिया है। तू नहीं समझता सरदार जी, वो लड़की बदमाशों के ग्रुप की है। वह वडे शरीफ दे आप पुत्र, आज जा दफा हो, नहीं तो मार मार के चिबरी टैट कर दूंगा मैं। ये क्या बदतमीजी है? ये देखो, मैं सियाड़ी का आदमी हूँ। जी जी, और रब की सौ सत्तू पल हो गई है। ओ बिटा सिंह, ओ ले आ कुर्सी, ओ बंटा सिंह यार पट के रसी लिया। साडे घर सीरी जी आए हुए ने। ओ मैं क्या सीरी जी, साडी एक बेनती सुन लो, साडा ड्राइवर संत सिंह बड़े चिरा तू गुम होया, जरा उहदा हुलिया लिख लो। कद 5 फुट तो कुछ घट, रंग गोरा चिट्टा मेरे वर्गा, मुछां कुंडियां ते छाती चौड़ी। तुम्हारी बेनती बाद में सुनूंगा, पहले बताओ वो लड़की कहाँ है? ओए करतार सिंह किथे गई मेम साहब? अरे पप्पा जी गड्डी में तो बैठी थी। जी जी, बड़ी सारी ओ कुड़ी उड़नचू हो गई। तुम लोगों ने सब काम बिगाड़ दिया, हटो यहाँ से। सीधी जी, 5 फुट तो कुछ घट, संसंदा उलिया ना बुला। बिल्कुल शामू, 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 शामू किधर है? अजमेर में तो आपने क्या कहा? शामू किधर है? हमको शामू से बहुत जरूरी काम है। देखू का कुछ पता चला? देखू का पता चल जाएगा। अभी हमको राकेश को ढूंढने का है। राकेश? कौन राकेश? हमको मालूम है राकेश शामू के साथ इधर आया है, तुम भी जानता है। हमको कुछ नहीं मालूम है उसका, हम कुछ नहीं जानता। तुम झूठ काहे को बोलता? हम जानता है, तुम जानता है उसको। छनिया किधर है वो? बोलो ना छनिया। पर मेरे साहब इधर बहुत खतरा है, हमको मालूम है। किधर है वो? अगर आपने किसी से बोला तो हम किसी को नहीं बोलेंगे, प्रॉमिस, कसम खाता, किसी को नहीं बोलेंगे। मगर मुझे डर लगता मेरे साहब, डरता काहे को? हम किसी को नहीं बोलेंगे, किसी को नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, नहीं। बाबूजी, मैं हूँ छनिया। वो एन्ना, एन्ना अच्छा हो तुम आ गई। मैं ये सोच रहा था तुमसे किस तरह मिलूं, मुझे तुमसे जरूरी काम है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इतना अभी ऐसा बात करके फिर कोई चाल खेलना चाहता है क्या? चाल? कैसा चाल? तुम क्या करी? अभी हमसे पूछता है, हमको तुम्हारा एक एक बात का पता चल गया है,
पता चल गया? क्या पता चल गया? जो हमको पता नहीं था, हम तो समझता था तुम बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन तुमने एक आदमी का खून कर दिया, तुमने हमारी मोहब्बत को धोखा दिया। तुमने तुम्हें कुछ पता नहीं चला, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने किसी का खून नहीं किया, यही मैं तुमसे कहना चाहता था। पराए घर में अकेली औरत को देखकर तुम आए थे? कैसी बातें करती हो, हम इस मकान की तलाशी लेगा। तलाशी लोगे? यहाँ कोई चोर डाकू रहते हैं या तुमने खून किया है? शामू चाचा आएंगे तब तलाश लेना। पुलिस के काम में दखल देना जुर्म होता है। समझे। चल हटो रास्ते से। नहीं हटो। कौन है? कौन है अंदर? तुम पुलिस को साथ लेकर आई हो? तुम्हें क्या पता मैं पुलिस से क्यों छुप रहा हूँ? तुम्हें क्या पता तुम मेरा कितना नुकसान कर रही हो? तुम खोलो दरवाजा, खोलो। क्या है? काहे को गड़बड़ करते? कौन है आप? अभी मालूम हो जाएगा। कहाँ है वो? कौन वो? चैन का खूनी राकेश और प्रेम कुमार, जिसे मिलने तुम यहाँ आई हो। अरे जाजा, हम अपने फ्रेंड को इधर मिलने को आया है। इससे अच्छा जाएगा तुम चला जाएगा। हमारा पैकेट कहाँ खुले था? नहीं कहती हूँ। इसी तरह बताओ कहाँ है वो? इधर है, हमारे पर्स में, देखो। हम बोला ना, हम कुछ नहीं जानता। खाली पीली हमारा मगज काय को खाता है। हम देखा रास्ते में भी तू हमारा पीछू पीछू आता था, अब हम लोग से मस्करी करता है? जाता कि नहीं जाता है? फिर देख लूंगा। देख लेना। बाबूजी कहाँ है? इधर ही किधर होंगे? चलो बाबूजी, बाबूजी, जमीन तुम ऐसा करो, तुम उधर जाकर रहो, अगर फिर से पुलिस आ गया तो हम बोट में दिखता है। पुलिस गया, तुम बच गए। ताज्जुब, उधर पुलिस को बुलाती हो, इधर मुझे बचा लेती। सच बोलता, हम पुलिस को नहीं बुलाया। पुलिस इधर कैसे आया हमको क्या मालूम। थोड़ी देर पहले तो तुम मुझे गिरफ्तार करा देना चाहती थी। जो हम बोला वो तुम सुना, मगर हमारे दिल का बात नहीं समझा। राकेश तुम्हें सकाय को सोचता कि हम तुमको पुलिस के हवाले कर सकता है। तुम नहीं जानता कि हम तुमको कितना। मैं जानता हूँ। कुछ नहीं जानता, तुम एकदम पत्थर है। किसी का दिल नहीं समझता, किसी के दिल का दर्द नहीं समझता। छोटे से तुमको पुलिस पकड़ के लेके जाता। इतना मैं हमारे लोग का मोहब्बत इससे ठीक जाते हैं। हम इंस्पेक्टर को बोलिए राकेश किसी का खून नहीं किया। मिस्टर चौधरी, मैंने क्या? झूठ काहे को बोलते हैं? मैं झूठ नहीं कह रहा वरना मैं इस माल में फंसा गया हूँ। दरअसल केरला ने चैन का खून किया है। केरला ने पता को किया? ये उलझा हुआ मामला है इतना, जो मैंने आज तक उनसे कहा नहीं था। इसलिए तो मैं समझता था तुम भी उन्हीं में शामिल हो। तुम्हें ऐसा समझा, इसके वास्ते हमसे झूठा मोहब्बत किया इतना। लेकिन अब बात बदल चुकी है, अब मैं तुमसे सब कुछ सच सच कह देना चाहता हूँ। यस यस राकेश, अभी तुम हमको सब सच सच कह दो, नहीं तो हम समझेगा तुम अभी भी हमको बनाते हो। मैं सच कहूँगा। कमरे में कौन कौन है? ओ प्यारे लाल साहब आया, बॉस के साथ टॉक करता। प्यारे लाल, तुम हमारे साथ आओ, जरूरी काम है। अच्छा मैम साहब। अंकल तुम हंसता है, चैंग की मौत के बाद उसका पार्टनर बहुत सी दौलत का मालिक हो गया है। आई नो यू आर वेरी लकी, तुम बहुत पैसे का मालिक हो गए। लेकिन अंकल क्या फायदा सब दौलत का? काहे को? एक चीज के बगैर। वो कौन चीज? एडना। एडना? प्यारे लाल तुम एडना से शादी करना मांगता है? यस अंकल। मगर प्यारे लाल तुम एडना से शादी करेगा तो हमारा होटल कैसा चलेगा, हम क्या करेगा? एडना की बराबर सब बिजनेस चलता है। अंकल तुम हमारे साथ रहना। रहता लेकिन हमारा नुकसान होगा वो कौन भरेगा? कितना नुकसान होगा आपका? आपको कितना रुपया चाहिए? प्यारे लाल तुम्हारा हमारा बिजनेस एक है, तुम जानता हमारा कितना नुकसान होगा। अंकल अगर मैं आपको 1,00,000 रुपया दूंगा? 1,00,000? हाँ।
अगर एडना राजी होगी हमसे शादी करने के लिए हम 1,00,000 रुपए देंगे। वो क्यों नहीं राजी होगा, हम उसको राजी होने को बोलेगा। अंकल तुम हमको बेचता है, प्यारे लाल तुम हमको खरीदता है। एडना गलत मत समझो, मैं तुमको इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। तो फिर हमको खरीदता काहे को है, हम तो ऑलरेडी तुम्हारा है। क्या कह रही हो? सच। एडना अंकल, अंकल हम प्यारे लाल को बहुत प्यार करता है, हम शादी करेगा। यस शादी करेगा, प्यार लाल हमारा पैसा। पैसा कैसा? लव मैरिज, प्यार का शादी। चलो प्यारे। प्यार लाल तुम एडना को लेकर किधर जाता है? प्यारे लाल एडना को लेकर नहीं, एडना प्यारे लाल को लेकर जाता है। क्या अंकल? ओ गॉड, पैसा भी नहीं मिला, एडना भी चला गया। श्यामू दादा, श्यामू दादा, सलाम मैम साहब। क्या है? श्यामू चाचा अभी तक नहीं आया। एडना मैम सब चिट्ठी दिया। एडना मैम का चिट्ठी दिया, दिखाओ। बहुत जरूरी वाला चिट्ठी। अच्छा, जब चाचा आएगा मुझे दे देगा। अच्छा मैम साहब। बाबूजी ये चिट्ठी एडना मैम साहब बनाओ कर देगी। श्यामू का? वो तो जो साहब के होटल में गए। जो के होटल में जो काम करेगी, श्यामू से कहना कि पुलिस को साथ लेकर चैन के होटल में आ जाए और गोलियों की आवाज सुनते भीतर घुस पड़े। गोलियों की आवाज? बाबूजी क्या गड़बड़ है? गड़बड़ है लेकिन दूसरे कहने का तो जल्दी जा। क्या देख रही हो डार्लिंग? डार्लिंग हम देखते हैं इधर का सब चीज कितना बदल गया है। क्या बदल गया? पहले इधर का सब चीज किसी दूसरे का था, अब ये सब चीज तुम्हारा है। जब मालिक तुम्हारा है, चीजों का सवाल है। How sweet! तुम कितना प्यारा है प्यारे। बट अभी हम तुम्हारे वास्ते एकदम खबर गया है। क्या हुआ? हम तुमसे बोला था ना डार्लिंग, वो रंगून वाला इज्जत राकेश तुमको फंसाना मांगता है। वो मुझे क्या फंसाएगा, खुद फंसा हुआ है। वो तो हम जानते हैं, बट वो रॉयल ज्वेलरी, क्या नाम उसका, चाइनीज ड्रैगन। सब झगड़ा उसी के वास्ते तो होता है। वो बोलता है तुम उस ड्रैगन के वास्ते चैन का खून किया। झूठ, तुम उसने किया। वो तो हम जानते हैं डार्लिंग, पर तुम उस ड्रैगन को अच्छी तरह छुपा के रख दो। वो ऐसी जगह है जहाँ किसी की हवा भी नहीं लग सकती। That's good. But डार्लिंग, राकेश को मालूम है कि ड्रैगन किधर है। उसे कैसे मालूम? क्या मालूम? अगर वो पुलिस को खबर कर दिया तो पुलिस इधर आ जाएगा और ड्रैगन पुलिस को जरूर मिल जाएगा। हाँ, ये तो हो सकता है। और फिर तुम चैन के खून में फंस जाएगा। और नो प्यारे, प्यारे तुम जल्दी से वो ड्रैगन किसी दूसरी जगह छुपा दो, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। प्लीज हनिया प्यारे। तुम ठीक कहती हो ना? आओ। ये रूम है, ड्रैगन किसे छुपा के रखा है? तो जल्दी निकालो। अभी इसको पीछे देखेगा। अभी हरी अपने पास वक्त नहीं है। लेकिन मेरे पास वक्त है। तुम राकेश, तुमने मुझसे मोहब्बत का नाटक किया और तमाम जानकारी हासिल करके बदमाशों को बताया। नो, यस। हम तुमको पहले ही बोला था प्यारे लाल, ये आदमी अच्छा नहीं है। अंकल को हमको तुमको सबको बताना चाहता है, इसलिए बोला तो जल्दी भागो, जल्दी भागो। भागने का सवाल ही नहीं उठता एडना, मैंने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस? झूठ बोलता है, चैन का खून किसने किया अभी पता चल जाएगा, लेकिन पहले ड्रैगन दे दो मुझे। ला इधर। थैंक यू डार्लिंग। अब बोलो, जानना चाहते हो कि चैन का खून किसने किया? मैंने किया चैन का खून, तुम्हारे भाई का खून भी मैंने किया, और अब तुम्हारी बारी है। हम इसके सिवा भी भाग नहीं सकता था। मैंने सबूत खत्म किया है,
बॉस गजब हो गया, पुलिस ने चारों तरफ से होटल को घेर लिया है। आप होशियार हो जाइए, कुछ लोग आपके कमरे की तरफ आ रहे हैं। पुलिस, पुलिस। तुम घबराता काहे को है? हम बोलते का वो हमको मारने को आता था, मारा मारी में रिवॉल्वर छूट गया, खलास हो गया, ठीक है ना? तो ये भी बोलना कि जैन का खून है। जैन का खून तो तुमने किया है। ठीक है, लेकिन पुलिस को तो नहीं मालूम। क्या हुआ? आप आ गए। शाम ने मुझे खबर दी कि चैन का खून यहाँ है। इससे आपको तलाश है। किधर है वो? एडना, बता दो ना सब कुछ। हमको कुछ मालूम नहीं। एडना, क्या हुआ तुम्हें? चैन का खूनी मुझे मारने आया, आप अपना हाथ पाई हुई, उसकी गोली उसी को लग गई। राकेश बाबू को गोली लग गई? वो पड़े उसके लाश। राकेश बाबू, ठहरो सिपाही, लाश कब्जे में लो। आप लोगों को थाना चलना होगा बयान देने के लिए। मैं इनका बयान ले चुका हूं साहब, अभी आपको सुना देता हूं। थैंक यू। कैसा है तुम? हम तो घबर गए थे। तुम्हें तो मालूम था कि इसमें नकली गोलियां हैं। बट तुम गिरा ऐसे जैसे असली गोली लगा। नकली गोलियां थी? तो पैरालाइज़ कैसे मरता हो? बाँचा कह लो। इसका मामला क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं भी समझा देता हूँ इंस्पेक्टर साहब। ये तो रिकॉर्डिंग मशीन है। जी हाँ, इस बदमाश का बयान अब इसी की जबानी सुनिए। का खून कितने के अभी पता चल जाएगा, लेकिन पहले ड्रैगन दे दो मुझे। ला दे। थैंक यू डार्लिंग। बोलो, जानना चाहते हो कि चैन का खून किसने किया? मैंने किया चैन का खून, तुम्हारे भाई का खून भी मैंने किया, और अब तुम्हारी बारी। Hey!
जाता हूँ। बाबूजी को मेरा राम राम कहना, और कहना कि श्यामू आपको बहुत याद करता है हमें। चलो चला जाओ। हेलो पीके, अरे मेरे हाई टू डार्लिंग, डोंट रन पुंजे, ओके टाटा, दिस इज माय न्यूली बाय।